हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंट्रोलिंग का टॉपिक, जहाँ पे आज हम आपके साथ कंट्रोलिंग का मतलब जानेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी जानेंगे। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आपका इसमें बन सकता है, तो उस लिहाज से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर अप करके जाना है। सो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। देखिए, आपने जो है जब भी मैनेजमेंट की हमने बात पढ़ी है, तो हमने वहाँ पे उसके टोटल 5 फंक्शंस के मेन फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया है, जिनमें से एक फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। देखिए, हर फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंट्रोलिंग का एक अपना अलग ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस यहाँ पर बन के आती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जब आप करते हो, या फिर जब सबसे पहला आप स्टेप उठाते हो, जो सबसे पहला फंक्शन आप करते हो, दैट इज़ अबाउट प्लानिंग। तो वहाँ पर जब आप प्लानिंग करते हो कि हम इस तरीके से ये सारा काम करेंगे, इस तरीके से प्रोसीजर होगा, या इस तरीके से आउटकम्स जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आप अपना काम करना शुरू करते हो आफ्टर द प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जब आप काम करना शुरू करते हो, तो बहुत बार ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिस तरीके से आपने प्लान किया था, उस तरीके से चीज़ें ना जा रही हो, तो वहाँ पे आप अपना कंट्रोलिंग की सहायता अपनाते हो, यानी कि आप कंट्रोल करते हो, देखते हो, चेक करते हो कि क्या ये उसी तरीके से जो है हमारे आउटकम्स निकल रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हमने प्लान किया था उस सिचुएशन में, उस लाइन में, उस पाथ पे क्या ये चीज़ें जा रही हैं। एंड इफ़ येस देन इट्स ओके, एंड इफ़ नो देन उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि अगर ये सही पाथ पे नहीं जा रहा है, तो उसको सही पाथ पे जो डिसाइडेड था उस पे डाला जाए। तो वहाँ पे ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ आप मॉनिटर करते हो कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, उसको इवैल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को, कि भाई जो हमने परफॉर्मेंस पहले सोची थी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन करते हो। टीम को लेकर के यहाँ पे आप चेक करते हो, टीम का इवैल्यूएशन करते हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल जो है, जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चीज़ें डिसीजंस लेने चाहिए, वो भी आप यहाँ पे लेते हो। सो कंट्रोलिंग क्या है? एक मैनेजमेंट का आप एक तरीके से फंक्शन है। इस मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग एक पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे ये सारा आपका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, टू इंश्योर द गोल्स आर बीइंग अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये सब चीज़ें आप देखते हो, ताकि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप जो है अचीव कर सको। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? यहाँ इन्वॉल्व होता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको, और जो आपने प्लान्ड की थी, जो आपकी टारगेट थी, उसको आप जो है कंपेरिजन करते हो कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई करते हो कि आखिर ये क्यों इसके बीच में जो है डेविएशन आया है, अगर उसके बीच में कोई बदलाव है या फिर कोई यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, तो उस डिफरेंसेस के पीछे के रीजंस क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करते हो, और उन वेरिएशंस क्या हैं वो आप जानते हो, और यहाँ पे उनको ठीक करने के लिए जो भी करेक्ट जो है नेसेसरी स्टेप्स और जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो लेते हो। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोलिंग का, वो होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन रख सको, इम्प्रूव कर सको परफॉर्मेंस को, और यहाँ पे जो भी आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स थे, जो भी आपकी इच्छा थी कि हम इसको इस रिज़ल्ट तक लेकर के जाएंगे, उसको परफॉर्मेंस को जो है अचीव कर सको। कंट्रोल जो है एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप जो है आपका जो मैनेजर है वो इंश्योर करता है कि जो एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म हुई है वो प्लान्ड एक्टिविटी के बराबर के जैसी ही निकले, कि भाई जो सोचा था वैसा ही हो। सो अकॉर्डिंग टू ब्रीच, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज चेकिंग करंट परफॉर्मेंस की चेकिंग है अगेंस्ट जो आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड थे, उसके उसमें जो भी आपने प्लान्स बनाए थे, विद अ व्यू टू इंश्योर एडिक्वेट प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो जॉर्ज आर टेरी की है, जिन्होंने कहा दैट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक तरीके से ये है कि जहाँ आप डिटरमाइन करते हो कि क्या अनकम्प्लिश्ड हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को, नेसेसरी जो भी अप्लाई होता है करेक्शन मेजर्स वो लेते हो, ताकि जो है परफॉर्मेंस आप उसको सही प्लान तरीके से कर सको, उसको जो भी प्लान तरीका है उसमें वो आ सके।
अब बात करते हैं कंट्रोलिंग क्रिकेट प्रोसेस की। सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप अपना स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करो। स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश यानी कि जो आउटकम्स आपको चाहिए वो आप एक इस्टेब्लिशमेंट करो कि भैया ये आउटकम्स हमें चाहिए, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वट वी वॉन्ट टू अचीव, या फिर दिस इज़ द आउटकम वट वी वॉन्ट टू अचीव। तो वो एक स्टैंडर्ड बनाना, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाना। स्टैंडर्ड मीन्स नॉट समथिंग विद थोड़ा हाई क्लास कपड़ों वाला, वो स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड मीन्स अबाउट द वर्क क्वालिटी, वर्क आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो स्टैंडर्ड आप सेट करते हो। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है, या जिसको आप बेंचमार्क कह सकते हो या क्राइटेरिया कह सकते हो, जो कि आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए बनाया है, वो आप मेजर करते हो, बनाते हो, स्टैंडर्ड बनाते हो। और ये जो है आपके क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स टारगेट को लेकर के आपका क्वांटिटी वाइज हो सकता है कि इतनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है, इतना प्रोडक्शन हमें करना है, या इतना कॉस्ट लिमिट हमें बनाना है, या फिर ये क्वालिटी वाइज भी हो सकता है कि भाई हमें जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी बनानी है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल देना है। तो ये सब जो है, जो आपका स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो, जो आप अपना बेंचमार्क सेट कर रहे हो, इट कुड बी आइदर क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड या क्वांटिटी वाइज स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक बेसिस फॉर इवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। तो जो भी आपने स्टैंडर्ड बना दिया है वो कल को आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो उसको जो है इवेल्यूएट कर सको। नेक्स्ट इज मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब आपने एस्टैब्लिश कर दिया एक स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड हमें चाहिए था, अब वहाँ पे काम वगैरह हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है या फिर जो भी चीज़ हो रही है वो उसको आप मेजर करते हो। मेजर करते हो किससे, मेजर करते हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, यानी एक तरीके से कंपैरिजन करते हो जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है उसको किससे, जो आपने पहले सेट किया था उससे। जैसे कई बार होता है ना, आप जो है अपने मन में ख्याल बना लेते हो कि घोड़े पर सवार होकर टाइप्स वाले सिचुएशन, बट एक्चुअल सिचुएशन जब आती है तब आपको पता चलता है कि यार दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस और व्हाट एक्चुअली आई एम गेटिंग इज नॉट एज सेम एज व्हाट आई वाज थिंकिंग बिफोर। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपका डिफरेंस आता है, इस सिचुएशन में डेविएशन होता है, यहाँ पे आपका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट या कह लीजिए डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, मेजर करते हो परफॉर्मेंस को, दैट इज इट द सेम थिंग व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, और इज इट द सेम आपका आउटकम जो कि मैं आउटकम सोच करके बैठी थी। तो वो आप यहाँ पे मेजर करते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेजर किया जाता है, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है अगेंस्ट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को आप जो है यहाँ पे कंपेयर करते हो। सो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, यह इन्वॉल्व होता है कि आप रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रोडक्शन आउटकम, सेल्स फिगर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कोटेशन मैट्रिक्स, या फिर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेजर करते हो। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। अब आपने क्या किया, पहले जो है आपने मेजर किया, पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किया, फिर आपने जो एक्चुअल अभी जो आपकी चीज़ें चल रही हैं उसको मेजर किया कि उसका क्या आउटकम है। अब आपके पास ये पता चल गया कि इसका क्या आउटकम है, नाउ यू कैन कंपेयर इट इजीली। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने जो है इस्टेब्लिश किया स्टैंडर्ड, दूसरा आपने जो है परफॉर्मेंस मेजर की, कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेजर की। अब आप उन दोनों का जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो परफॉर्मेंस को। सो जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे किससे, जो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, टू आइडेंटिफाई एनी वेरियंस एंड डेविएशन। किस लिए, ताकि जो भी अगर उसमें वेरिएशन है या डेविएशन है वो आपको पता चल सके। ये कंपैरिजन जो है आपको हेल्प करेगा मैनेजर्स को कि वो असेस कर सके अपनी वेदर परफॉर्मेंस चाहे मीट हो रही है या नहीं, उसको पता चल सके कि क्या यहाँ पे कुछ फॉलिंग है या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस कम पड़ रही हैं, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है या एक्सीडिंग है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने पता चल सके। नेक्स्ट आता है एनालिसिस द डेविएशन। Now, अब आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया दोनों को। Now, इसके पीछे जो है रीजन हो सकता है कुछ कुछ अलग यहाँ पे आपका डेविएशन आ जाए, डिफरेंसेस आ जाए, जो कि मोस्टली आते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस डिफरेंस इज अराइजिंग, व्हाई दिस डिफरेंस इज हेयर। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये हम दोनों के बीच में दूरियाँ क्यों है टाइप्स वाली सिचुएशन, दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सो फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द डेविएशंस, दैट व्हाट आर the रीज़न बिहाइंड इट। तो आप जो है वो डेविएशंस जो है डिटेक्ट करोगे, वेरिएशंस डिटेक्ट करोगे दैट वो वेरिएशंस क्यों हैं। सो मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा, एनालाइज करेगा, साथ ही साथ उसके कोर्सेस चेक करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसके डेविएशंस के, इसमें जो है एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन एंड अंडरलाइंग फैक्टर्स जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि आपको कंट्रीब्यूट करती हैं ये जानने में कि प्लान्ड और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्यों है, और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड करने में कि जो रूट कोर्स है वो क्या है, वो रूट कोर्स आपको समझने में यहाँ पे हेल्प मिलती है।
टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब आपको रीज़न पता चल गया कि भैया डिफरेंस था, ठीक है, रीज़न पता चल गया व्हाई देयर वाज सम डिफरेंस, वो भी पता चल गया. नाउ द नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट आपका स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. अब आपको पता चल गया कमी कहाँ पे है, एक्शन ले लो, ठीक है, रेड फ्लैग दिख गया, एक्शन ले लो. सो टेकिंग करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डेविएशन, जो आपके जो है यहाँ पे डेविएशन का आपने एनालिसिस किया है, जो यहाँ पे कारण है आपके डिफरेंस का, उसका जो आपने एनालिसिस किया है, मैनेजर्स क्या करेगा, अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन लेगा, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन रिक्वायर्ड है वो लेगा, और उसको जो है अपने एड्रेस करेगा, जो भी उसकी परफॉर्मेंस गैप है उसको जो है वापस ट्रैक पर लाने की. तो यहाँ पर जो है कोशिश करेगा कि वापस उसको ट्रैक पर लाया जा सके, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कुछ प्लान्स रिवाइज करने पड़ेंगे तो वो भी करेगा, एलोकेट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज को तो वो भी करेगा, रीएलोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एडिशनल ट्रेनिंग्स वगैरह तो वो भी किया जाएगा. सो यानी कि कोई भी अगर स्टेप्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो मैनेजर वो स्टेप लेगा ताकि जो है उसका करेक्टिव पाथ वापस आ सके. नेक्स्ट इज फीडबैक एंड कम्युनिकेशन. कंट्रोलिंग में जो है आपको टाइमली फीडबैक एंड कम्युनिकेशन जो है अपने इंडिविजुअल्स या टीम मेंबर्स को अब उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग का होना ज़रूरी है. मैनेजर्स जो है उनके शेयर्स रिजल्ट्स शेयर करते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस जो भी उनके साथ उनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए डिस्कस करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को रिकोगनाइज करते हैं और साथ ही साथ उन्हें गाइड भी करते हैं. सो यहाँ पर फीडबैक एंड कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है ताकि जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से काम हो सके. रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग. कंट्रोलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग एक बार में कर ली, एक बार में आपने एनालिसिस कर लिया बस खत्म, मतलब यहाँ पे ओवर हो गया, नहीं ऐसा नहीं है. कंट्रोलिंग जो है जिस जैसे प्लानिंग चलती रहती है, मैनेजमेंट चलता रहता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, वैसे ही कंट्रोलिंग चलता रहता है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है. तो जैसे कि हमारे मोदी जी की स्पीच चलती रह सकती है, जितनी पावर उनमें है स्पीच देने की, वैसे ही कंट्रोलिंग है कि कंट्रोलिंग भी जो है निरंतर चलती रह सकती है, बिना थके हुए उसको चलना पड़ता है. सो कंट्रोलिंग जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चूँकि मैनेजर्स जो है कंटिन्यूसली रिव्यू करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सो ये चलता रहता है चाहे आपका टाइम पीरियड कोई भी क्यों ना हो. सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक जहां हमने कंट्रोलिंग के बारे में बात की. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.